हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नीता जी के किचन में। आज हमारे किचन में बनने जा रहा फ्रेंच फ्राई। फ्रेंच फ्राई बनाने के बाद ना सभी दोस्तों का वो रहता है, नरम पड़ गया, करारा नहीं बना, बाजार जैसा नहीं बना। आज जो मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ ना, आपका फ्रेंच फ्राई एक दिन बना के 10 दिन तक आप उसे खा सकते हैं, एकदम करारा रहे। चलिए बनाते हैं आलू से फ्रेंच फ्राई। वैसे मैं आपको दो तरीका शेयर करूंगी, जो एक नॉर्मल तरीका है और आज का जो तरीका है हमारा बिल्कुल आसान। इस तरीके से आप फ्रेंच फ्राई बनाएंगे तो 10 दिन तक खा पाए। तो यहाँ पे देखिए, 4 हम बड़े साइज का आलू लिए हैं, इसका छिलका उतार लिए है, अच्छा से धो लिए। अब हम क्या करेंगे, किसी भी पीलर की मदद से इसको हमें छीलना है। तरीके से देखिए, छीलना है, छील छील के रखते जाना, छील छील के आपको पानी में डाल देना। जैसे कि हम लौकी आलू छीलते हैं ना, सेम तरीके से इस तरीके से छीलना है, पानी में डालना है। है ना आसान, न काटने का झंझट और न ही क्रिस्पी का झंझट। तो इसी तरीके से आपको चारों तरफ से छीलना है और डालना है। पीलर को थोड़ा दबा के फिर छीलिए और डालिए इसमें। इसी तरीके से आपको छीलना है, लेकिन छीलने से पहले जितना भी आप आलू का बनाना चाहते हैं, इसमें क्या करें कि 1 बड़ा चम्मच नमक डाल लें इसी पानी में। तो देखिए, 1 चम्मच हम नमक डाल दे रहे हैं, उसके बाद हम सारा आलूओं को छीलते रहेंगे। इससे ये होगा कि हमारा जो आलू है ना वो नमक पीता रहेगा। इसी तरीके से हम सारा आलू को छील लेते हैं। तो आप चाहें तो लास्ट वाला जो ये है पतला सा हो जाता है, तो आप इसको गोल वाला फिंगर चिप, गोल वाला फ्रेंच फ्राई बना सकते हैं, या इसको थोड़ा सा सावधानी करके इसको इस तरीके से छील के भी इसमें डाल सकते हैं। पुराना वाला फ्रेंच फ्राई ही बनाऊंगी। सारा आलुओं को देखिए हम तरीके से छील लिए हैं, छिलौना से इस तरीके का स्टिक निकल चुका है। जो आपका आलू बचे लंबा लंबा, वो क्या करें कि इस तरीके से 2 भाग करके आपको छोटा छोटा, जैसे कि ये मैं काट रही हूँ, ऐसा स्टिक बना लेना है। जैसे कि हमेशा से हम फ्रेंच फ्राई खाते आए हैं, ये देखिए ऐसे लंबा लंबा हम काट के एक बाउल में रखते जाएंगे। इसमें बाउल में हम नमक रखे हैं 1/2 छोटा चम्मच, और नमक में लपेट के 2-3 मिनट इस तरीके से छोड़ देंगे। फिर इसको हमें धोना है, दोनों में नमक डाल के ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट हम छोड़ेंगे, और उसके बाद जितना भी इसका स्टार्च है सब धो लेंगे, फिंगर वाला भी और ये। तो धो लेते हैं इस तरीके से, धो के किसी छन्नी में रखना है, लेकिन अभी हमें इसको 2 पानी धोना है, ठीक है। ये वाला आलू को भी हमें 2 पानी धोना है। किचन चल तो पानी देखिए हम अच्छा से निचोड़ लिए हैं इसका, एक टोकरी में रख के अब एक प्लेट में डालते हैं। यहीं पे डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, आरारोट भी बोलते हैं इसको। अच्छा से इसको हम क्या करेंगे, कोट कर लेंगे। ज़्यादा कोट हमें नहीं करना है, लेकिन इतना कोट करना है कि एकदम क्रिस्पी हो, 10 दिन तक की क्रिस्पी ही रहे। आप चाहें तो इसमें कोई सा भी फूड कलर ऐड कर सकते हैं, मैं बिना फूड कलर का ही बनाऊंगी, और आपको इतना स्मूथ लगेगा, एकदम मक्खन के जैसा ये लगेगा आलू आपको। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं मिलाना है, अब डायरेक्ट इसको तलना है। एक कढ़ाई में हम तेल गरम कर लिए हैं, उसको नॉर्मल कर लेंगे। अब एक एक करके हम डालते जाएंगे। एक बार में जितना है कढ़ाई में उतना ही डालिएगा और डालने के बाद थोड़ा सा चला दीजिएगा 1-2 मिनट के बाद, और उसके बाद फ्लेम को मीडियम करके आपको क्रिस्पी करना है। देख रहे हैं कितना बढ़िया तल रहा है। जब तक ये सुनहरा ना हो तब तक आपको तलना ही है। इसको तलने में 5 से 7 मिनट का समय लगेगा आपको, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब देखिए दोस्तों कितना अच्छा सुनहरा कलर हो गया है, देख रहे हैं। इसी तरीके से आपको तलना है सारा फ्रेंच फ्राई को, और आपका फ्रेंच फ्राई ये मैं आप गारंटी देती हूँ कि 10-15 दिन तक ऐसे ही क्रिस्पी रहेगा। ऐसी हमको तलना है। निकालते जाना है और दूसरा डालते जाना है। इन आलुओं में भी हमें 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लावर मिला के इसको इस तरीके से टॉस कर लेना है, और कुछ नहीं मिलाना है आपको। अब इसको भी तल लेते हैं।
अब इसको तलने के लिए शुरू में हम हाई फ्लेम रखेंगे, उसके बाद जब ये एक तरफ से अच्छा से तल जाएगा उसके बाद हम मीडियम फ्लेम कर देंगे। देखिए इसको अलग पलट के बढ़िया से क्रिस्पी करना है। अगर आपको तुरंत का तुरंत तब भी कभी क्रिस्पी करना है तो क्या करें कि फ्लेम को लो कर दें, नहीं तो जैसे कि कभी पार्टी होता है जैसे बाद में सर्व करना होता है। तो देखिए कितना अच्छा से तल चुका है हमारा फ्रेंच फ्राई, देख रहे हैं। अब ऊपर से डालेंगे हम थोड़ा सा चाट मसाला। इसमें नमक ऑलरेडी हम जब डाले थे ना पानी में इसको छील के तो घुस जाता है, आप बिना नमक डाले भी खा सकते हैं इसको। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इसको डाले बिना भी आप खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा चटपटा लगेगा आपको तो मज़ा आएगा। देख रहे हैं कितना खन खन आवाज आ रहा है। ये चाट मसाला और मिर्च पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है, आपका दिल चाहे तभी डालिएगा। तो दोस्तों 10 दिन चलने वाला हमारा फ्रेंच फ्राई बनके तैयार है। देखिए ये जो फ्रेंच फ्राई है इतना क्रिस्पी बना है कि मैं बता नहीं सकती, ये देख रहे हैं। और इसको आप स्टोर करके 10 दिन 15 दिन कईयों दिन खाएं, एकदम आपको मजा आ जाएगा, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना बढ़िया ये क्रिस्पी बनता है। और ये वाला जो फ्रेंच फ्राई है ये भी तैयार है, इसको आज में आप खा जाइए, करें तो कल ये सौगी जैसा मतलब नरम हो जाता है, और अभी भी थोड़ा सा हल्का नरम रहता है लेकिन खाने में टेस्टी होता है ये भी। तो इजी 10 दिन चलने वाला फ्रेंच फ्राई बनके तैयार है दोस्तों, दोनों तरीका मैं आपको बताई हूँ। और इसका चटनी रहा तो चटनी हमारे चैनल पे अपलोड है, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। आप वैसे तो मोमोज के चटनी के साथ आप इसको खा सकते हैं, या लाल केचप के साथ, लाल जो चटनी आती है उसके साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आज हमारे पास टमाटर नहीं है इसलिए चटनी नहीं बना रही हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको इसका टेस्ट बताती हूँ कि कैसा लग रहा है, तो आप लोग भी पास में आ जाइए और टेस्ट करके बताइए कैसा लग रहा है। एकदम क्रिस्पी है, नमक भी नहीं डाली मैं, चाट मसाला सिर्फ डाली हूँ। वैसे बिना नमक डाले भी आप खाइएगा ना तो हल्का नमकीन लगेगा, चाय के टाइम पर आराम से इंजॉय कर सकते हैं, आराम से इंजॉय कर सकते हैं आप, इतना मस्त लगेगा आपको। तो दोस्तों अगर हमारा फ्रेंच फ्राई की रेसिपी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप नए हैं हमारे चैनल पे तो आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है हमारे चैनल में। फिर मैं मिलती हूँ एक नए रेसिपी में, जब तक के लिए एंजॉय फ्रेंच फ्राई।